गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका जो फोर्थ चैप्टर है वो है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, जिसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जो इसका जो टॉपिक है, जो चैप्टर का नेम है, उसमें सॉर्टिंग जो आया है और मटेरियल्स क्या होते हैं, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सॉर्टिंग का मीनिंग जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। और मटेरियल्स क्या होते हैं जिनसे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। सॉर्टिंग को समझाने के लिए अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो सॉर्टिंग, सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ पेन्स हैं, कुछ पेपर्स हैं, कुछ बैग्स हैं, सब मिक्स हैं, एक साथ रखी हुई हैं। तो अगर आपको उनको अलग करना हो तो सबसे पहले, अलग करने से सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले बैग को एक जगह करोगे, उसके बाद पेन्स को एक जगह करोगे, फिर पेपर्स को एक जगह करोगे। मतलब सबसे पहले ग्रुप बनाने से पहले आप सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कर लोगे, उसके बाद ग्रुप बनाओगे कि दिस इज़ ग्रुप ऑफ बैग, दिस इज़ ग्रुप ऑफ पेन्स, दिस इज़ ग्रुप ऑफ पेपर्स। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कर लिया, छांट लिया, दैट मीन्स आपने सॉर्ट कर लिया। यही मीनिंग होता है सॉर्टिंग का। और मटेरियल्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है उसको समझ लेते हैं। अ थिंग दैट कैन बी सीन एंड टच्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, पेन, पेपर, टेबल, चेयर, बैग्स, ह्यूमन बीइंग्स, ट्रीज, बर्ड्स एट्सेट्रा, उनको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं, दैट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। और ये ऑब्जेक्ट्स किसी ना किसी चीज़ से बने होंगे, तो जिस चीज़ से ये बनते हैं उसको बोलते हैं मटेरियल्स। अभी हाल ही में हम लोगों ने फाइबर टू फैब्रिक ख़त्म किया है, तो फाइबर टू फैब्रिक में मैंने बताया था कि कॉटन जो होता है वो कॉटन फाइबर से बनता है। तो कॉटन फाइबर हो गया मटेरियल और कॉटन जो हो गया वो हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद से अगर पेपर्स का देखा जाए तो पेपर जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है, तो पेपर जो हो गया ऑब्जेक्ट, और जिस प्लांट से वो बनता है वो हो गया उसका मटेरियल। तो मटेरियल मीन्स कि किससे वो बना है, और मटेरियल को हिंदी में हम लोग पदार्थ बोलते हैं। अब हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लॉथ, शूज, वाटर, बाइसाइकिल, फुटबॉल, टॉयज, सैंड, टेबल, चेयर एट्सेट्रा। अब जब डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनके कैरेक्टरिस्टिक भी डिफरेंट होंगे। और उन्हीं डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग उनको क्लासिफाई करेंगे, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में बांट देंगे। सबसे पहले सॉर्ट करके क्लासिफाई करेंगे। सॉर्टिंग फर्स्ट प्रोसेस है, उसके बाद क्लासिफाई होता है। क्लासिफाई कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो क्लासिफिकेशन का मतलब समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी, जैसे हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते थे, एक्टिविटी दी गई है। तो एक्टिविटी के लिए क्या करना है कि आपको अपने किसी पास में प्रोविज़न स्टोर पे जाना है। प्रोविज़न स्टोर पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे क्लासिफिकेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। वहाँ पे आपको टूथपेस्ट एक अलग शेल्फ में दिखेंगे, टूथब्रशेस आपको अलग जगह दिखेंगे, चॉकलेट्स आपको अलग शेल्फ में दिखेंगे, अगर फ्रूट्स अवेलेबल है तो फ्रूट्स अलग शेल्फ में दिखेंगे, या फिर अगर आप सुपरमार्केट में जाते हो तो आपको क्लॉथ जो है वो एक साथ दिखेंगे, उनका अलग ही सेक्शन होता है। उसके बाद से जो वेजिटेबल्स होते हैं उनका अलग सेक्शन होता है। अब यहाँ पे क्लॉथ और वेजिटेबल के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया। अब वेजिटेबल में भी आए तो इनको भी क्लासिफाई किया जाएगा कि कौन सा वेजिटेबल जो है वो वेजिटेबल जो है वो कौन सा ग्रीन वेजिटेबल है, कौन सा जो है वो सिर्फ रफेज है, इनके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्लासिफाई किया जाता है। फिर अगर हम लोग पल्सेस में भी क्लासिफाई किया जाता है कि कौन वैराइटीज ऑफ पल्सेस होती हैं, फिर उसके बाद से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया हुआ होता है। जैसे अगर दुकान पे गए होंगे आप तो आप देखे होंगे कि साबुन का अलग सेल्फ है, बुक्स कॉपी अगर अवेलेबल है तो अलग सेल्फ है, उसके बाद से अगर वहाँ पे डिटर्जेंट्स हैं तो उसका अलग सेल्फ है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग सेल्फ है।
अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि अगर आप गए, आपने बोला कि हमको लक्स सोप चाहिए, तो शॉपकीपर को टाइम नहीं लगेगा, वो सोप वाले ग्रुप में जाएगा, वहाँ पे वैरायटीज ऑफ सोप्स रखे होंगे, उसमें से लक्स सोप आपको निकाल के दे देगा। अगर उसने ऐसा ना किया होता, ऑब्जेक्ट्स लाता खरीद के और ऐसे ही रख देता, उसको क्लासिफाई ना करता, तो आप जाते सोप खरीदने, क्या होता? अब सब अलग अलग वैरायटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से उसको अब सोप ढूंढना पड़ता कि सोप कहाँ कहाँ पे है, तो ये बहुत मुश्किल हो सकती थी, बहुत टाइम लगता, टाइम कंज्यूमिंग, दिमाग का खपत। तो इससे पहले थोड़ी सी मेहनत करके अगर हम लोग चीज़ों को क्लासिफाई कर लें तो बाद में हमारे लिए आसानी रहता है। अब क्लासिफिकेशंस की कुछ बेसिस होती हैं, मतलब बेसिस मतलब कि किस किस बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाए, मतलब उनमें क्या डिफरेंस है, क्यों क्लासिफाई किया जाए, तो क्लासिफिकेशन की बेसिस हम लोग अब अगले टॉपिक में जानेंगे। क्लासिफिकेशन अगर आपको क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। क्लासिफिकेशन मतलब उनको बांटना, ठीक है। क्लासिफिकेशन का यहाँ पे एग्जाम्पल भी डिफिनेशन भी दिया हुआ है कि द सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन टू ग्रुप्स विथ ईच ग्रुप हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए, सॉर्टिंग और क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है? जैसे मैंने आपको पेन पेपर और बैग वाला एग्जाम्पल दिया था, तो सब आपने मिक्स रखा था पहले, तो आपने क्लासिफाई करने से पहले अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को सबसे पहले अलग किया, छांटा, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। अब छांटने के बाद आप उनको अलग अलग ग्रुप में रखोगे, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जैसे आपके पास पेन्स, पेपर, बैग्स एक साथ मिक्स्ड है, तो सबसे पहले आप बैग को अलग करोगे, पेन को अलग करोगे, पेपर्स को अलग करोगे, दैट इज सॉर्टिंग। अब अलग हो गया, सॉर्टिंग काम खत्म। अब बैग्स को एक अलग ग्रुप में रखोगे, पेन्स को अलग ग्रुप में रखोगे, पेपर्स को अलग ग्रुप में, मतलब आप ग्रुप बनाओगे। सॉर्टिंग कर दिया, अब ग्रुप बन गया। ग्रुप बनाना आसान काम है सॉर्टिंग करने के बाद, सॉर्टिंग मेन काम है। तो यही डिफरेंस होता है। अब क्लासिफिकेशन का क्या फायदा होता है? क्लासिफिकेशन का फायदा मैंने वहां शॉपकीपर वाले में बता दिया। क्लासिफिकेशन का यही फायदा होता है कि चीजें आसानी से हम लोग ढूंढ पाते हैं, और उसके बाद से उन्हें स्टडी करने में, अगर लाइब्रेरी है तो बायोलॉजी की सारी बुकें अगर एक जगह रख दी जाए, फिजिक्स की सारी बुक्स एक जगह रख दी जाए, फिर मैथ्स की सारी पब्लिकेशंस की बुक एक जगह रख दी जाए, तो कोई जाएगा तो मैथ वाले ग्रुप में जाएगा, वहाँ से मैथ की बुक आसानी से ढूंढ लेगा। अब सबको मिक्स रखा जाए तो सबसे पहले हमको उसमें से ये ढूंढना पड़ेगा कि मैथ की बुक कौन है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये बेनिफिट होता है कि अगर हमको उन्हें समझना है, स्टडी करना है, तो इसमें आसानी होती है, ढूंढने में आसानी होती है। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो टर्म है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किस बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है? बहुत सारे बेसिस हो सकती हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, उसके बाद प्लांट है कि एनिमल है, उसके बाद अगर नॉन लिविंग है तो उसका अपीरियंस कैसा है, साइज कैसा है, शेप कैसा है, कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, ये इनकी बेसिस है। जैसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो या तो लिविंग होते हैं या तो नॉन लिविंग होते हैं, सबसे पहला बेसिस, या तो वो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा। बुक है, नॉन लिविंग है, प्लांट्स है, लिविंग है, पेन है, नॉन लिविंग है, एनिमल्स है, वो लिविंग है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का ये बेसिस होगा। जैसे अगर हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग का एक टेबल बनाएं, तो लिविंग में डॉग्स आ जाएंगे, वहीं नॉन लिविंग में टेबल आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम चार्ट बनाएं तो लिविंग में क्या आ जाएगा? लिविंग में बर्ड्स आ जाएंगे, नॉन लिविंग में टेबल आ जाएगा, फिर लिविंग में हम ह्यूमन बीइंग्स आ जाएंगे, फिर नॉन लिविंग में जो है पेंस आ जाएंगे, फिर लिविंग में जितने भी प्लांट्स हैं वो आ जाएंगे, फिर नॉन लिविंग में जो है वो चेयर आ जाएगा,
तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले क्लासिफाई कर दिया कि लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसमें ये तीनों आ गए और नॉन लिविंग में ये तीनों आ गए। तो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा एग्जांपल देखा कि लिविंग क्या होते हैं और नॉन लिविंग क्या होते हैं। तो ये बेसिस है, ये लिविंग और नॉन लिविंग बेसिस है, उस बेसिस पे यहाँ पे इन सभी को क्लासिफाई किया गया है। अब बेसिस का और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे शेप के बेसिस पे करते हैं, तो राउंड, फिर यहाँ पे फ्लैट। तो राउंड का अगर बेसिस देखें तो बॉल हो गया, फ्लैट का अगर बेसिस देखें तो फ्लैट का अगर बेसिस देखें फ्लैट चपटा, उसमें क्या हो गया, नोटबुक हो गया। तो ये जो राउंड एंड फ्लैट है, दिस इज कॉल्ड बेसिस। किस बेसिस पे? इसके पहले नॉन लिविंग और लिविंग के बेसिस पे, यहाँ पे राउंड एंड फ्लैट यानी शेप के बेसिस पे। तो बॉल जो है वो राउंड वाले कैटेगरी में आ गया और नोटबुक जो है वो फ्लैट वाले कैटेगरी में आ गया। तो ये बेसिस है, तो बेसिस का यही मतलब होता है। और राउंड वाले में क्या और आ सकता है? राउंड वाले में ऑरेंज आ सकता है, फ्लैट वाले में जो है आपका साइंस बुक आ सकता है, ये भी एक इसी बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर दिया। तो यही होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अलग अलग बेसिस हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लिविंग है कि नॉन लिविंग है, प्लांट है कि एनिमल है, नॉन लिविंग है तो उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, दिखता कैसा है, इसी बेसिस पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब ये बात ध्यान में हम लोग को रखनी पड़ेगी कि क्लासिफिकेशन तभी हो सकता है जब उनमें ऑब्जेक्ट्स में कुछ सिमिलरिटीज हों या डिसिमिलरिटीज हों। जैसे अगर ऑब्जेक्ट सिमिलर ही हैं, पूरी तरह सिमिलर हैं, तब तो उनको कैसे क्लासिफाई किया जाएगा? जैसे आपने दो लक्स 3 लक्स सोप खरीदा, या फिर 3 लाइफबॉय सोप खरीदा, 3 लाइफबॉय सोप खरीदा। अब कोई बोलेगा कि इसमें क्लासिफाई करो, तो आप कैसे कर पाओगे? तो क्लासिफाई करने के लिए सिमिलैरिटीज के साथ डिसिमिलैरिटीज भी होना जरूरी है, तभी क्लासिफाई हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। आप किसी चीज को अलग करते हो तो कुछ अंतर रहता है, तभी तो अलग कर पाते हो। अब सब चीजें एक जैसी हो तो कैसे आप उसको अलग कर पाओगे? तो डिसिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज के साथ साथ डिसिमिलैरिटीज होना जरूरी है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करना कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, टेबल, टॉय, डॉग, क्लॉथ्स, रोज, अलगी, पेंसिल, नाइफ, शूज, हाइड्रिला, ग्रास हॉपर, फिर कहाँ गया, ब्लैक बोर्ड, फिर कैक्टस, वूल, अर्थ वॉर्म, ट्री, फिश, फेदर, नेल, हैन। इन सभी को आप लिविंग या नॉन लिविंग के बेसिस पे क्लासिफाई आप लोग करना है। तो आसान है, टेबल नॉन लिविंग है, टॉय नॉन लिविंग है, डॉग लिविंग है, क्लॉथ्स नॉन लिविंग है, रोज लिविंग है, अलगी लिविंग है, पेंसिल नॉन लिविंग है, ये क्लासिफाई करना बहुत आसान है। तो यहाँ पे मेन बात ये है, ये जानना है कि हम लोग उसको किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, हमारा क्लासिफाई करने का आधार क्या है, बेसिस क्या है, जो कि है लिविंग है कि नॉन लिविंग है। यहाँ शेप नहीं देखा जा रहा, यहाँ साइज नहीं देखा जा रहा, यहाँ उनका कलर नहीं देखा जा रहा, यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, सिर्फ यही देखा जा रहा है, यही उनके क्लासिफाई करने का बेसिस है। मतलब कि क्या देख के उनको अलग किया जा रहा है, तो यहाँ पे उनको उनका लिविंग या नॉन लिविंग कैरेक्टर देख के अलग किया जा रहा है। नेक्स्ट पेज में इनको अलग भी किया जा चुका है, लिविंग वाले को अलग रख दिया गया है, नॉन लिविंग वाले को अलग रख दिया गया है। लिविंग ऑब्जेक्ट्स ये हैं, डॉग्स, रोज, अलगी, हाइड्रिला, ग्रास हॉपर, कैक्टस, अर्थवर्म, और नॉन लिविंग ये है, टेबल, टॉय, क्लॉथ्स, पेंसिल, नाइफ, ये सब तो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। अब नॉन लिविंग और लिविंग तो हो गया, उसके बाद से उसमें फिर प्लांट एंड एनिमल्स आ गए। अब अगर लिविंग है, अगर हमने लिविंग को अलग कर लिया, उनमें से भी प्लांट्स एंड एनिमल्स को अलग किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स।
जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के हेल्प से। वहीं दूसरी तरफ जो एनिमल्स हैं वो उस बनाए हुए फूड को कंज्यूम करते हैं। जो प्लांट्स हैं वो फूड प्रोड्यूसर्स हैं, और हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स, ये सभी जो हैं वो फूड कंज्यूमर्स हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। हम लोग सनलाइट की हेल्प से खाना नहीं बना सकते हैं। तो ये जो है प्लांट्स और एनिमल्स को अलग करने का एक बेसिस हो गया, जैसे यहाँ पे अलग किया भी गया है। प्लांट्स में क्या आ गया? रोज, अल्गी, हाइड्रिला, कैक्टस, ट्री। एनिमल्स में क्या आ गया? डॉग, ग्रास हॉपर, अर्थवॉर्म, फिश एंड हैन। रोज जो है वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से अपना खाना बना सकते हैं, और एनिमल्स जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। वो जो है उस बनाए हुए फूड को कंज्यूम कर सकते हैं, दे आर कंज्यूमर्स, और एंड प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लांट और एनिमल के बेसिस पे क्लासिफाई कर लिया। ऊपर हम लोगों ने लिविंग एंड नॉन लिविंग के बेसिस पे क्लासिफाई कर लिया। अब हम लोग नॉन लिविंग को क्लासिफाई करेंगे। लिविंग में भी क्लासिफिकेशन था, प्लांट है कि एनिमल है। अब नॉन लिविंग में यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल, किससे बना है, देयर यूजेस, क्या काम है उनका, कलर, शेप, साइज, अपियरेंस, हार्डनेस और टेक्सचर। वी विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर मटेरियल, उनका मटेरियल किस टाइप का है, किस टाइप के मटेरियल से वो बने हैं, उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। जैसे टेबल, नेल, बीकर, बीकर मतलब बर्तन जिसमें एक्सपेरिमेंट होता है, आपने देखा होगा, टॉय, चेयर, यूटेंसिल्स, टेस्ट ट्यूब, रूलर, बेड, मैग्नेट, फनल। फनल फनल मतलब इसमें, फनल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फनल है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। ओके, तो इन सभी को क्लासिफाई किया जाएगा कि वो उनका मटेरियल कैसा है। क्लासिफिकेशन जो है वो नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वुड, ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स, ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ग्लास, ऑब्जेक्ट मेड ऑफ प्लास्टिक्स। अब वुड से बने बने क्या होते हैं, बने हुए क्या होते हैं, टेबल, चेयर, बेड, डोर। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स, नेल, नेल मतलब आपका नाखून नहीं, नेल मतलब कील, नेल मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको बोला जाता है नेल, कील को, ठीक है, नेल मतलब नाखून भी होता है, यहाँ पे कील होगा। फिर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ ग्लास, ग्लास से क्या बने, बीकर, टेस्ट ट्यूब्स, फनल, फनल मैंने दिखा दिया, मिरर। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स, टॉय, रूलर, मग, पॉलिथीन बैग। तो यहाँ पे हम लोगों का क्लासिफाई करने का बेसिस क्या है, क्लासिफाई करने का बेसिस है द मटेरियल्स बाय विच दे हैव बीन मेड, जिस मटेरियल से वो लोग बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी गई है, क्वेश्चन, प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन, कि इन सभी को उनके मटेरियल्स के बेसिस पे क्लासिफाई करना है, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्थ एंड पिचर। यहाँ पे इनको राउंड शेप्ड और अदर शेप में क्लासिफाई करना है। फिर उसके बाद से इटेबल एंड नॉन इटेबल्स में क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफाई हो गया, राउंड शेप वाले कौन होते हैं, बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, अर्थ एंड पिचर। फिर अदर शेप, वाटर जिसका कोई शेप ही नहीं होता है, शुगर, शुगर वैसे शुगर के पार्टिकल का शेप होता है लेकिन कंबाइन कर दे तो शेप नहीं होता है। तो यहाँ पे इनको अदर शेप्स में क्लासिफाई किया गया है। फिर इटेबल्स, वाटर जो है वो जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, पी सकते हैं, उसके बाद से ऑरेंज खा सकते हैं, शुगर खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, बास्केटबॉल को नहीं खा सकते हैं, खा लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ग्लोब को नहीं खा सकते हैं, ग्लोब से सिर्फ हम लोग अर्थ का व्यू ले सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, अर्थ एंड पिचर, अर्थन मतलब मिट्टी का बना, पीचर मतलब घड़ा। तो यहां पे देख सकते हैं कि ये मिट्टी का बना हुआ घड़ा है, तो ये भी राउंड शेप्ड है। ओके, लेकिन
लेकिन इसको राउंड शेप वाले में तो आ गया था, लेकिन इसको खा थोड़ी ना सकते हैं, इसको खा नहीं सकते, तो ये नॉन एटेबल्स में आ गया। अब यही एक सैम्पल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट है जिसको आप लोग बनाइएगा, कि इसमें जो है ऑड है, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, चेयर टेब बेड टेबल बेबी कपबोर्ड, जिसमें से एक ऑड जो है अलग है वो छंट जाएगा, रोज जैस्मीन बोट मैरीगोल्ड लोटस, इसमें से जो अलग वाला है वो छंट जाएगा। आंसर दिया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। फिर आता है मटेरियल्स, ये मटेरियल्स जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आज के लिए जितना मैंने बताया उतना आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगा, आप लोग क्वेश्चन आंसर सेंड नहीं करूंगा, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट दो तीन चैप्टर दो तीन पेज पढ़ने के बाद से हम लोग को मिलेगा। तो तब तक आप लोग इसको पढ़िएगा और मैं क्वेश्चन अराइज करूंगा इससे। आप लोग इसमें से कोई डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।